हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं फातिमा चौधरी, अपने जो है मेरा जो क्राफ्ट चैनल है फातिमा चौधरी के नाम से। आज मैं आप लोगों को जो है ना, जैसे ब्रोकन ज्वेलरी जो होती है, ये मेरे पास मेरा एक हार था तो ये टूट गया। अब पाकिस्तान इंडिया में तो ये स्ट्रिंग्स होती हैं इस तरह, तो ये स्ट्रिंग्स तो लग के फिर से टूट जाती हैं। तो हम जो है इंशाल्लाह इसको जो है मैं इसको फिक्स करूँगी। तो मेरे पास ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर बाहर के मुल्कों में आई गेस हर जगह पे ये मिलती है, ये नायलन की स्ट्रिंग होती है। इसमें डिफरेंट थिकनेस होती हैं, पतली भी होती है। मेरे पास ये थिकनेस है जो मैं काफ़ी इससे नेकलेसेस बना चुकी हूँ, 0.28 mm। काफ़ी ये होल्ड करता है, काफ़ी हैवी स्टोन भी ये होल्ड कर लेते हैं। तो चलें फिर इंशाल्लाह इसको बिगिन करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये जो स्ट्रिंग है ये मेरी 13 इंच है, राइट। तो मैं ये जो डोरियाँ लगी होती हैं ना पाकिस्तान इंडिया में, ये मैं नहीं लगाने लगी क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं। अब ये जो मैं नायल की स्ट्रिंग है, अब मैं दो चीज़ें करूँगी। एक तो मैं पहले इसको तो ओपन नहीं करूँगी, एक सेकेंड, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं। मैं इसको अभी ओपन नहीं करूँगी, पहले मैं इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए, अगर तो मेरे सारे स्टोन्स हुए तो मैं इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है नायलन की, इसको यहाँ से मैं नॉट लगाऊंगी और मैं इसको फिल करूँगी। अगर फ़र्ज़ करें कि स्टोन ऊपर नीचे हो गए तो फिर उसके बाद मैं देखती हूँ मैंने क्या करना है। और मैं सोच तो यही रही हूँ कि मैं जो स्ट्रिंग चले अभी मैं बनाती हूँ, तो फिर मैं आपको इसको मैं पहले सबसे पहले रिमूव करती हूँ। अच्छा, ये देखिए, मैंने ये रिमूव कर दिया है। और मैं इसको एक दो नॉट्स लगाऊंगी। हाय अल्लाह जी, जब प्रोजेक्ट शुरू करो ना उसी वेले सारे मसले पै जाते ने। मैं इसको बेसिकली नॉर्मल बिल्कुल जो है नॉर्मल नॉट्स लगा रही हूँ, लेकिन एक सेकेंड। इसमें कोई वो हार्ड रॉकेट साइंस नहीं होती कि जी नॉट ऐसे लगाओ तो नॉट ऐसे लगाओ। हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी आपको पता कारीगर बना ही रहे होते हैं सब कुछ। असल में विजिबिलिटी ज़रा कम, विजिबिलिटी से मेरा मुराद है कि वो ज़रा, क्योंकि बिल्कुल ये क्लियर होती है तो ज़रा मुश्किल नज़र आती है। अच्छा, अब मैंने ये नॉट्स ज़रा 3-4 अच्छी नॉट्स लगा दी हैं। जो मैंने आखिरी वाली 2 लगाई हैं उनको मैंने डबल क्योंकि ये ज्वेलरी यकीन माने कि आप एक दफ़ा ये इतने इतने महंगे सेट्स आते हैं और ये एक दफ़ा हम लोग हार्डली पहनते हैं, कम से कम मुझे तो यही एक्सपीरियंस हुआ है। एक दो दफ़ा पहनने पे ना ये स्ट्रिंग्स जो है ना टूट के वो जा तो ये जा, सो लाइक यू नो इट रियली हर्ट्स। अच्छा, अब हम ऐसे करेंगे, ये क्रीम कवर्स हैं, मुझे शुक्र है मिल गए, गोल्ड रंग के क्रीम कवर्स हैं। वैसे ये
इस वक्त प्रोजेक्ट करने वाला नहीं है, लेकिन क्या करें। ये देखिए, ये गोल्ड क्रीम कवर है, तो मैं कोशिश तो करूँगी कि आप लोगों को नज़र आए, लेकिन अगर नज़र नहीं आया, मैं एक दफ़ा उसको अंदर डालूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने प्रेस करके बंद कर दिया है, तो थोड़ा सा ज़रा ब्यूटीफुल लग रहा है, राइट? थोड़ा सा ज़रा क्यूट लग रहा है। ओके, असल में उस ये देखिए, अभी तो मैं, जब ये तैयार हो जाएगा तो लास्ट में जो है ना ग्लू, सब पे जो नॉट्स होंगी ना, उन पे मैं एक दफ़ा ग्लू ज़रूर करूँगी। तो लेकिन ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग थी एक साइड पे, उसको मैंने कट किया। अच्छा जी, ये देखें, अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि शायद एक आध कोई स्टोन इस तरह मिसिंग हो, तो ये मेरा जो सिल्वर स्टोन है ये इसमें नहीं है। तो अब सिंपल मैं ये करूँगी कि जब मैं ये साइट अभी खोलूँगी, तो मैं ये स्टोन डालूँगी। अब मेरे पास इस तरह के ब्राइट ज़्यादा शाइनी सिल्वर हैं, तो मैं वो नहीं डालना चाह रही, क्योंकि वो फिर अगर थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए, मैं तो ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये डाल लेती हूँ लंबे वाले, थोड़ा सा टेक्सचर थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट हो जाएगा और ज़रा लंबा भी हो जाएगा। तो मैं ये दोनों इस गोल्ड में ये डालूँगी, मतलब जो है ना स्ट्रिंग में। आप लोगों की मर्ज़ी है, मतलब मैं तो सिर्फ आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को ना अच्छा लगे, बट ये कि क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसी बस टच दिया हुआ है ना, तो इट डजंट लुक बैड। देखें जी, हाफे हो गए, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। ये फेलगिरी बॉल्स डालते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके देखिए हर तरफ इस तरह बने होते हैं, ये सीधा निकालना ज़रा मुश्किल होता है। चलें बस एक लास्ट नॉट मैं दे रही हूँ। ये देखें, आई एम सॉरी, पता नहीं आप लोगों को नज़र आया कि नहीं, ये ग्लू लगाया है यहाँ पर। ग्लू करना मस्ट है, मैं ऑलवेज़ अपनी नॉट्स के ऊपर ग्लू करती हूँ।
जो भी स्ट्रांग ग्लू होगी। अच्छा जी, ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए ये माशाल्लाह देखें कितना बिल्कुल ज़बरदस्त जो है ये मैंने बना दिया है जो है। सो इट्स ऑल डन और जो है तो चलेंगे। ये छोटा सा प्रोजेक्ट था, मैंने कहा आप लोगों को बताऊं कि फिक्स किस तरह करते हैं अगर ज्वेलरी टूट जाए कुछ हो जाए। सो ये देखें सारी नॉट्स हैं, इनको ग्लू जो है लास्ट में ही करना है। तो माशाल्लाह अपना डन हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताएँ और मेरी वीडियोज़ देखते रहें। ओके जी, खुश रहें सब। ओके, अल्लाह हाफिज़।